जवान नगर पुलिस ने देर रात ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली कपड़े बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कई ब्रांडेड कपड़े बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं थाना अधिकारी हर्षराज सिंह ने बताया कि लिवाइस व रेगर कंपनियों के मालिक पुरुषोत्तम सिंह देर रात जवान नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जवान नगर थाना क्षेत्र में एक दुकान पर उनकी कंपनी से कोई नकली कपड़े बेच रहा है। इस पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने इंदिरा विहार स्थित एक दुकान पर दबिश दी। दुकानदार भूपेंद्र तुलोदिया ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली जींस और शर्ट बेचता मिला। पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर उसके पास से 51 जींस व 43 शर्ट जब्त कर लिए। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी से नकली माल कहाँ से ले जाता है, इस मामले में पूछताछ जारी। हाँ जी सर, किस तरह की जवाहर नगर थाने ने कार्रवाई करी? आज शाम को 6 बजे करीब डिवाइस और एंगलर कंपनी के प्रतिनिधि पुरुषोत्तम दिल्ली से यहाँ पर आए थे। उन्होंने थाने पर एक रिपोर्ट दी थी कि मकान नंबर 422 बी इंदिरा विहार में एक दुकान है जिस पर हमारी कंपनी के नकली कपड़े बिक रहे हैं। इस पर ओम प्रकाश जी सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम थाने से रवाना हुई थी। टीम ने जाकर के मकान नंबर 422 जवाहर इंदिरा विहार पर रेड दी। वहां पर दुकान मालिक भूपेंद्र मिले, उसे चेक किया दुकान को। दुकान में लेविस व रेंगनर कंपनी के कपड़े, जीन्स और पैंट शर्ट वगैरह मिले, जिन्हें कंपनी से जो शिक्षित थे पुरुषोत्तम जी, उन्होंने बताया कि ये कपड़े नकली कपड़े हैं। उन्होंने अपनी कंपनी के असली कपड़े पेश किए। वह नकली व असली पहचान बताई, उसके आधार पर वहाँ पर उनके लिए जींस की पैंटें शर्टों को जब्त किया और मुलजिम दुकानदार मुलजिम था उसको लेते हैं। रिपोर्ट कब दर्ज कराई थी? और उन्होंने शाम को 6 बजे रिपोर्ट दी थी। आज शाम ये मुकदमा अभी रात 11 बजे दर्ज हुआ है। कॉपीराइट एक्ट में दर्ज किया गया है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है कि ये कपड़े वो कहाँ से लाता है तथा किन किन दुकानदारों को यहाँ पर बेचता है, और उसको कल न्यायालय पेश करके इसे रिमांड दिया जाएगा। सर, इसका कोई साथी वगैरह किसी को साथ में लेके ऐसा वारदात को? अभी पूछताछ जारी है और कौन कौन साथी है, कौन पार्टनर है, इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आगे जैसी भी जानकारी मिलेगी कार्रवाई करें। आपका शुभ नाम सर? देवकिरण पटेल सर। आपका शुभ नाम सर?